गुड मॉर्निंग, मैं प्रशांत गहलोत, एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है, नो योर फिश। जो भी आप फार्मिंग करने वाले हैं, सबसे पहले अपने एनिमल को समझें, देन यू विल स्टार्ट योर फार्मिंग। सो कैट फिश कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें आज का मेंबर है आपका सिंघी, जो अपनी इंडियन स्पेशीज है और एक बहुत ही हाई वैल्यू फिश है और आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को लेके और हाई स्टॉकिंग में, स्मॉल पॉन्ड में, बायो फ्लॉक में, सीमेंटेड टैंक में, नेचुरल पॉन्ड में, अर्दन पॉन्ड में, कहीं पर भी आप उसका कल्चर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने नो योर फिश सीरीज एक शुरू किया है, जिसमें आपकी सारी फिशेज, सारे एक्वाकल्चर के एनिमल्स, चाहे वो फ्रेश वाटर के हों, सलाइन वाटर के हों, जिसे आप ब्रैकिश वाटर के नाम से भी जानते हैं, तो हमने बहुत सारे वीडियोस उस पर दिए हुए हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमारी IMC, इंडियन मेजर कार्प, हाई वैल्यू फिशेज, जिसमें आपकी कैट फिशेज हैं, सलाइन वाटर में जिसमें आपका प्रॉन है, श्रिम्प है, नो योर फिश में इंडियन कार्प आपका रोहू, आपका बायोफ्लॉक कल्चर में आपका श्रिम्प है, प्रॉन है, लॉबस्टर है, सलाइन वाटर में आपका व्हाइट लेग श्रिम्प है, क्रैब फार्मिंग फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन द नॉर्थ इंडिया, शॉर्टली यू विल गेट लॉट्स ऑफ अदर वीडियोज, कैटफिश फार्मिंग जिसमें देसी मांगुर को, इंडियन कार्प कतला आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग फिश इन द IMC, स्नेक हेड जिसे आप मुरेल के नाम से, गरई के लोकल नाम से भी जानते हैं, फ्रेश वाटर फिशेज इंडिया, कौन कौन सी हमारी इंडियन स्पेशीज हैं जो आपके फ्रेश वाटर के लिए, और बहुत अच्छा उनका डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट है, पंगेशियस फार्मिंग को लेकर, पापदा कल्चर को लेकर और आपका चीतल फिश फार्मिंग को। तो आज का वीडियो जो हमारा है सिंघी को लेकर है, तो उसमें हम इनिशियल से लेकर टिल हार्वेस्ट तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। कैटफिश प्रीडेटर। IMC कल्चर करने से पहले जिन फिशेस को हम महुआ की खली, ब्लीचिंग पाउडर से मार के निकाल देते थे अपना कल्चर करने के लिए, रेस, बायोफ्लॉक और जितने भी न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम उन्हीं फिशेस को उन कल्चर में कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर जो है हार्डी नेचर है। अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके वाटर पैरामीटर में कुछ 19-20 होता भी है, तो दे कैन सस्टेन नेक्स्ट 20 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। तो जब भी जो अभी तक हमने प्रेडेटर फिश में कवर किया है, आपका चना को कवर किया जिसे आप मुरेल गरई के नाम से जानते हैं, सेकंड जो हमने कवर किया है सिंघी को कवर किया है, थर्ड जो हमने कवर किया है ओम्पोक जिसे आप पापदा के नाम से जानते हैं, फोर्थ जो है आपके चीतल के नाम से। तो आज का जो डिटेल वीडियो है वो हमारा सिंघी को लेकर है, तो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो सिंघी फिश कल्चर, कैटफिश प्रेडेटर फिश के नाम से जानी जाती है, नेचर में बहुत हार्डी है। थोड़ा सा इनिशियल में अगर आप उसके सर्वाइवल पे वर्क कर लेते तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट अनदर 6 to 8 months। हाई वैल्यू फिश है, सभी को मालूम है, अपने इंडिया में, आउटसाइड इंडिया बहुत अच्छा उसका डिमांड है, हाई मार्केट डिमांड है आपकी, लेस स्पाइन कंटेंट है, रोहू कतला के जैसे बहुत ज़्यादा कांटा नहीं है, नॉर्मल फ्लैशी मीट है उसका, यूनिक टेस्ट और फ्लेवर है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपने साथ में लिए हुए, ईजली डाइजेस्टेबल है, न्यूट्रिशनल फिश है, सभी फिशेस के लिए लगभग कॉमन यही है। ऑर्नामेंटल्स में भी अगर आप देखेंगे, जो कि जो एक्वा एक्वेरियम छोटे उसमें करते हैं, तो ऑर्नामेंटल में भी इसका काफ़ी अच्छा मार्केट है। और सबसे बड़ी बात, अपना
इंडियन ब्रीड है, तो अपने जो वेदर के वेरिएशन है उनको भी झेलना उसको आता है। तो नॉर्थ इंडिया के लिए एक गुड प्लेयर है आपका, बायोफ्लॉक के लिए, छोटे पॉन्ड कल्चर के लिए, सीमेंटेड टैंक के लिए। तो सिंगी फिश को लेके, कैटफिश है आपको मालूम है, एयर ब्रीदिंग फिश है, बहुत ज्यादा उसको एरिया नहीं चाहिए होता है, थोड़े से एरिया में आप इजिली उसका कल्चर कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। हमारे इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, म्यांमार में, भूटान में, सभी जगह मिलता है और सभी जगह कल्चर होता है, और वी आर अ गुड मार्केट ऑल्सो इन इंडिया। टॉलरेंट है आपका, स्लाइटली ब्रैकिश वाटर भी है आपका, पर फ्रेश वाटर का मेजर प्लेयर है। इट इज अ ओमनीवोरस फिश, तो दोनों ही तरह का फीड वो लेती है आपका, क्रूड प्रोटीन जो आपका प्लांट प्रोटीन से बनता है, और आपका एनिमल प्रोटीन जिसमें आपका फिश मील है और भी जो आपका एनिमल वेस्टेज है उस पे भी वो ग्रो करता है, और जितनी और भी छोटी मछलियां हैं उनका भी कल्चर कर सकते हैं इसके साथ में। एग्रेसिव फीडर नहीं है और नाइट में अपना फीड लेना प्रिफर करती है। छोटे से एरिया में, रुके हुए वाटर में, और जो इसकी ब्रीडिंग है वो मानसून मंथ में होता है, पॉन्ड्स में, आपके डिचेज में, जहां भी उसको सफिशियंट रुका हुआ वाटर मिलता है इजिली वो अपना ब्रीडिंग कर लेता है। तो ओमनीवोरस फिश है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है आपका, दोनों ही तरह का फीड प्रेफर करती है। नॉन वेज फीड देंगे तो डेफिनेटली जल्दी वो ग्रोथ ले लेगी आपकी, और 6 से 8 महीने में आपको एक मार्केटेबल साइज मिलेगा और आप अपने फल से गुड चार्जेस के साथ निकाल सकते हैं। मिनिमम प्राइस रेंज जो है आपका, अगर 5 से 10 ग्राम, 15 ग्राम का भी अगर आप फीड सेल कर रहे हैं तो आपका आराम से 200 रुपये, 250 रुपये किलो सेल हो जाता है। थोड़ा और उससे मैच्योर होता है तो 300, 350 रुपये, 100 ग्राम, 70 ग्राम, 125 ग्राम जाता है तो 300, 350 होलसेल प्राइस आपको मिल जाता है। तो एक बहुत हार्डी से इंडियन फिश और आपकी हनी वोरस फिश है, आप अपने होम मेड फूड से, कमर्शियल फूड से भी इसको कल्चर कर सकते हैं और आपको कुछ रिटर्न मिल सकता है। तो जो आपका कैटफिश कल्चर है, क्योंकि इसका नेचर है कि आप उसको बहुत लंबे टाइम तक लाइव रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, तो मार्केट में कस्टमर का जो डिमांड है वो उसको फुलफिल करता है, और हमेशा से कैटफिश में हिलसा, सिंघी ऑल टाइम फेवरेट फिशेज है फूड लवर्स के लिए। तो कैटफिश कल्चर में ग्रेटर सर्वाइवल और टॉलरेंस, अगर आपके वाटर पैरामीटर में कुछ वेरिएशन, कुछ अप डाउन है तो सस्टेन करेगा, बट मेंटेन कीजिए अपनी वाटर क्वालिटी को। गुड एफसीआर है आपका 1.2 से 2.2 तक, हाई ग्रोथ रेट है और प्रोडक्शन भी आप इसका ज्यादा ले सकते हैं। बहुत बड़े एरिया की जरूरत नहीं है, छोटे एरियाज में भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने बायोफ्लॉक टैंक में 250 से 300 kg तक का प्रोडक्शन अपने 10,000 लीटर के टैंक में ले सकते हैं। प्रोड्यूस एवरेज जो है आपका 300 to 400 टन पर हेक्टेयर पर क्रॉप यू कैन इजली गेट। तो जो आइडियल वाटर पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड ग्रोथ। पीएच जो है आपका 6.8 से 7.5, एल्कलिनिटी को जो मेजर करेंगे आपका 230 से 240 अगर आप ग्रो आउट कल्चर कर रहे हैं। अगर इनिशियल में आप नर्सरी और हैचरी के लेवल पे देख रहे हैं तो 80 और 100 मिलीग्राम पर लीटर में आपका गुड रिजल्ट देगा। डीओ जो है एयर ब्रीदर फिश है, पर उसका सर्वाइवल ना देके उसको आइडियल पैरामीटर देंगे तो इट विल
ग्रोथ इन अ नॉर्मल टाइम एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट इन 6 to 8 months. तो अगर आप नर्सरी रेयरिंग कर रहे हैं तो अपना सेम वही प्रोसेस है, डिसइंफेक्ट करेंगे आप अपने पॉन्ड को और लाइमिंग करेंगे अपने पॉन्ड की आफ्टर 24 आवर्स. वाटर लेवल जो है 50 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 से 2.5 फुट तक उसमें देंगे. फर्टिलाइज करेंगे आप अपने पॉन्ड को, कोई सा भी तरीका हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, बायोफ्लॉक हो सकता है, एक्वामिमिक्राई हो सकता है या जू प्लैंकटॉन. तो जब भी आप नर्सरी रेयरिंग करें तो वहाँ पे आपका प्लैंकटॉन जरूर होना चाहिए. वो आपके एनिमल की नेचर के ऊपर है कि किस टाइप का आप कल्चर कर रहे हैं. अगर वो कार्प है तो वहाँ पे फाइटो प्लैंकटॉन होना चाहिए. अगर आप एग्जॉटिक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जू प्लैंकटॉन होना चाहिए. कैटफिश कर रहे हैं तो जू प्लैंकटॉन प्रिफर होगा. श्रिम्प है तो जू प्लैंकटॉन होगा. तो ये सब चीज़ें आप अपने जो भी एक्वाटिक एनिमल्स का आप कल्चर कर रहे हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे सफिशिएंट नेचुरल फीड आपका होना चाहिए. आफ्टर 48 आवर्स आप उसका वाटर लेवल राइज कर देंगे अप टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 से 3.5 फुट के आसपास का वो आ जाता है. और आफ्टर 7 to 15 days, 21 days या जब आपका पूरा वाटर साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है इन 4 to 6 months, यू कैन स्टॉक योर स्पॉन और फिंगरलिंग. नेक्स्ट 20 to 48 आवर्स कोई फीडिंग नहीं देना है, नेचुरल फीड पे आप उसको सस्टेन होने दीजिए. जो उसका स्ट्रेस है उससे रिकवर होने दीजिए, नेचुरल फीड से वो अपना ग्रो करेगा. फीड द सीड विथ 35 to 40% प्रोटीन. जितना प्रोटीन ज़्यादा होगा उतना ही वाटर पैरामीटर मेंटेन करना आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, पर उतना ही आपका जो कल्चर पीरियड टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा. दोनों ही तरह के फीड दे सकते हैं आप उसको, होममेड फीड भी दे सकते हैं और कमर्शियल फीड भी दे सकते हैं. और उसको कंटिन्यू रखें आप 6 to 7 days तक. 16 to 20% बॉडी वेट का इनिशियल में आपका ज़्यादा फीड नहीं लगेगा, पर आपका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा आ जाएगा. तो इनिशियल में आप जरूर काम कीजिए जिससे आपको एक गुड फिंगरलिंग मिल जाए, आपका जो स्पॉन है जाए और आपके ग्रो आउट नर्सरी के लिए आपके पास हेल्दी सीड. तो बेसिक नॉलेज जो है आपका, सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक्स है, सिंघी के लिए है. तो जो एग हैचिंग होगा आफ्टर 24 आवर्स होगा. आइडल टेम्परेचर जो है आपका हैचिंग के लिए 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है. जो योक सेक होगा उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा आफ्टर 3 डेज, जब वो अपना नेचुरल फीडिंग्स पे जाएगा. माउथ ओपन है वो 2 से 3 दिन पे हो जाता है आफ्टर हैचिंग. उसके बाद जो रिक्वायर्ड होगा उसको रिक्वायर्ड होगा नेचुरल फीड इन टर्म ऑफ मोइना, रोटिफायर्स, कॉपवुड और आप आर्टिमिया भी उसको दे सकते हैं, वो भी इजिली ले पाएगा. सबसे ज़्यादा सिंघी में जो है आपका हाई मोर्टेलिटी होता है इनिशियल कल्चर पे. तो सबसे पहला जो है लैक ऑफ गुड वाटर क्वालिटी. तो आप उसको अच्छी वाटर क्वालिटी मेंटेन कीजिए. आइडियल वाटर पैरामीटर जो हमने इनिशियल वीडियो में आपको बताए हैं वो मेंटेन करने का कोशिश कीजिए. सेकंड जो है नेचुरल फीड होना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, चाहे वो आपका मोइना हो सकता है, आर्टिमिया हो सकता है. एग योक को आप बॉयल करके दे सकते हैं, लीवर्स को आप चॉप करके दे सकते हैं. तो बहुत सारे तरीके हैं उसको. प्रॉपर टेम्परेचर और शेडिंग आप उसको दीजिए. थोड़ा सा शाई नेचर की है, एग्रेसिव फीडर नहीं है आपके हाइब्रिड मांगोर की तरह. नाइट में अपना फीड लेना ज़्यादा पसंद करती है. तो नेचर को समझें, देन यू कैन स्टार्ट योर कल्चर और प्रोवाइड द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फीड. अब छोटा बच्चा है तो उसको आप क्रम्बल्स फीड दे सकते हैं, मैश टाइप का फीड दे सकते हैं, बॉयल फीड दे सकते हैं. तो उन सब चीज़ों को समझ के देन यू विल प्रोवाइड सफिशिएंट हैबिटेट और नेचुरल फीड. फीडिंग जो है आपका, दोनों ही तरह की आप फीडिंग उसको दे सकते हैं, चाहे आप होममेड फीड बना के दे सकते हैं,
बट उस केस में आप अपना वाटर क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। तो इनिशियल 15 डेज फीड फिशेज विद प्लैंकटॉन, जिसमें आपके फाइटो जू जू ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि कार्निवोरस सॉरी ओमनीवोरस फिश है। एग योक आप दे सकते हैं, होम मेड फीड बना के दे सकते हैं, कमर्शियल फ्लोटिंग फीड जो आपकी बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। 32 to 40% एंटायर साइकिल में आपका लगेगा, पर जो आपका फीड साइज है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप दें। प्रोवाइड प्लैंकटॉन दे सकते हैं आप उसको, जू प्लैंकटॉन, एग योक दे सकते हैं, डे टाइम में दीजिए उसको, जो आपका अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम है। और फ्लोटिंग फीड जो है आप इसको इवनिंग टाइम में नाइट टाइम में दीजिए, इजिली वो लेगा। अगर आपका हैचरी सीड है, अगर वाइल्ड सीड है, तो डेफिनेटली आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसके सर्वाइवल के लिए। आफ्टर 15 डेज कंटिन्यू फीडिंग कीजिए, आप अपना होममेड फीड दे सकते हैं जो भी आपकी पॉकेट अफोर्ड करता है, और कमर्शियल फीड पे भी आप उसको रख सकते हैं क्योंकि हाई वैल्यू फिश है। तो डेफिनेटली आप अपना फीड का कॉस्ट, अपना इंफ्रा का कॉस्ट इजिली 6 to 8 months में निकाल लेंगे। एक हार्वेस्टिंग का वीडियो है, तो जब भी आप अपना सिंघी का कल्चर करें तो उसको हाइडिंग प्लेस जरूर दें। जैसे देख सकते हैं कि छोटे छोटे पाइप्स में वो अपना हैबिटेट बना लेती है, और उसी से उसका कल्चर आप इजिली कर सकते हैं। और जब भी आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी वेरिएशन आएंगे, वेदर में कुछ अप डाउन्स आएंगे, तो वहाँ पे वो हाइड करेगा, अपने आप को छुपा के रखेगा। और जब भी उसको नाइट में फीडिंग वगैरह लेना होगा, आप सेम टाइम उसका कवर कर देंगे, तो उसी टाइम पर ही आके वो फीडिंग आपका लेगा और आपको एक गुड कल्चर में लेगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेके टेल एंड तक सभी इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन, तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। 9971155753 इज़ आर नंबर। वी आर एंशंट इंडिया एग्री बिजनेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। वी आर द प्रोग्रेसिव फार्मर ट्रेनिंग एंड नॉलेज पार्टनर, कंसल्टेंट, बिजनेस प्लानर एंड पार्टनर। दिस इज़ अ फ्री अवेयरनेस कैंपेन फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एक्वाकल्चर। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। और भी अगर आपके कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। डेफिनेटली हमारी टीम उस पर वर्क करके आपको एक पूरा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ, फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड, आपको एक सफिशियंट इंफॉर्मेशन देगी। थैंक यू।